दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th और 10th के सिलेबस की चर्चा करने वाले हैं। ये सिलेबस पीरियोडिक टेस्ट 1 एग्जामिनेशन के लिए है, तो सभी स्टूडेंट्स हमारे इस वीडियो का आनंद उठाइए और जानिए कि पीरियोडिक टेस्ट 1 में मैथ्स का क्या सिलेबस होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए आपको बोर्ड पर ले चलते हैं। दिस टॉपिक टू डिस्कस अबाउट द एग्जामिनेशन ऑफ पीरियोडिक टेस्ट 1 व्हिच इज हेल्ड ऑन 1 सितंबर 2020। तो जो आपका पीरियोडिक टेस्ट होने वाला है, ये पीरियोडिक टेस्ट ऑनलाइन होने जा रहा है। तो ऑनलाइन पीरियोडिक टेस्ट अटेंड करने के लिए आपको बहुत सारी चीजों की जानकारी क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपका जो मोड ऑफ एग्जाम होगा वो किस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। ये क्वेश्चन पेपर आपका गूगल फॉर्म में मिलेगा। ये जो गूगल फॉर्म है, इसमें क्या होगा कि आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो उसमें जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू होंगे और उसमें आपके 4 ऑब्जेक्टिव दिए होंगे। इसमें 3 आपके आंसर गलत होंगे और 1 आंसर, उसमें से 1 आंसर करेक्ट होगा। तो उस करेक्ट आंसर को आपको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट में आप सिंपली क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहां पे एक सर्कल होता है, वो सर्कल में आप सिर्फ जब क्लिक करेंगे तो वो सर्कल आपका ब्लू कलर का हो जाएगा। तो आप समझ लीजिएगा कि आपका ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया है। वहां पे जो 4 सर्कल, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए होंगे, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में स्टार्टिंग में 4 स्मॉल सर्कल दिए होंगे। तो जब आप किसी भी करेक्ट क्वेश्चन को क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने का मतलब आप सर्किल पे क्लिक करेंगे, तो जब सर्किल पे क्लिक करेंगे तो वो सर्किल आपका, उस सर्किल में आपका ब्लू डॉट आ जाएगा। तो ब्लू डॉट आने से मतलब ये हुआ कि आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है, ठीक है। और अगर आप किसी भी समय उसका आंसर चेंज भी करना चाहते हैं तो वो सबमिट होने से पहले आप कितनी भी बार चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ क्वेश्चन पेपर को, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे और आप कैसे जान पाएंगे कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है, ठीक है। तो ये बात हो गई। इसके बाद जो टोटल मार्क्स होंगे, कितने मार्क्स का आपको पेपर मिलने वाला है, टोटल मार्क्स आपके होंगे 40। ये क्वेश्चन पेपर आपका 40 मार्क्स का आने वाला है। इसमें क्या होगा, जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो टोटल क्वेश्चन आपके कितने होंगे, 30 क्वेश्चंस होंगे। इन 30 क्वेश्चंस में आपको 1 से लेकर 10 तक, क्वेश्चन 1 to 10 2 मार्क्स के होंगे और क्वेश्चन 11 to 30 ये आपके क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो टोटल जब 1 से लेकर 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे तो यहाँ पे कितने मार्क्स हो जाएंगे, 20। और यहां से लेकर आप देखिएगा कि कितने, 11 से लेकर 20 मींस 20 क्वेश्चन हुए, वो भी 20 मार्क्स के हो जाएंगे। तो 20 प्लस 20 आपका टोटल जो स्कोर होगा वो 40 का होगा। ये जो 30 क्वेश्चन हैं, इन 30 क्वेश्चंस को आपको 60 मिनट में सॉल्व करना है। आपको जो टाइम दिया जाएगा वो 60 मिनट्स का होगा। तो आपको अपनी स्पीड को मेंटेन करके रखना है। 16 मिनट में आपको ये 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके लिए आप अपनी कॉपी, पेन
और जो भी रिक्वायरमेंट है सब एक साथ लेके बैठेंगे। तो जैसे ही आपको रफ वर्क की आवश्यकता पड़ती है तो आप क्या करेंगे, कॉपी का यूज करेंगे, और जो भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको चाहिए उसको, अगर से सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है तो आप फटाफट उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, और सॉल्यूशन निकालने के बाद में आप अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। तो सारी चीजें आप ये अपने पास पहले से ही रख लेंगे। आपको ठीक जो भी टाइम होगा, आपने आपका जो शेड्यूल दिया गया एग्जाम शेड्यूल, उस एग्जाम शेड्यूल पर ठीक जैसे आपका एग्जाम 9 बजे होना है, 9 AM पे स्टार्ट होना है, तो ठीक 9 AM पर गूगल फॉर्म का लिंक आपको सेंड कर दिया जाएगा, ठीक 9 O'clock पर, ठीक है। और उसे आपको तुरंत ही किसी भी इंस्ट्रक्शन का वेट नहीं करना है, तुरंत ही उस गूगल फॉर्म के लिंक पर क्लिक करना है। आपका तुरंत गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा, और ओपन होते ही आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर देंगे, उसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे या ओपन करेंगे, तो ओपन करने के लिए आपको कुछ और भी आवश्यकता है। सबसे पहली आवश्यकता क्या है कि आपके पास एक गुड क्वालिटी का डिवाइस होना चाहिए, डिवाइस ऑफ गुड क्वालिटी। तो इसके लिए आप सभी को क्या करना है, अपने पेरेंट को बताना है कि हमको पापा एक अच्छा सा डिवाइस चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से व्यू कर सकें, आपका क्वेश्चन अच्छे से उस पे विजिबल हो रहा हो। और मान लीजिए कुछ देर के लिए अगर आपके पास डिवाइस नहीं है, तो आप अपने पापा या अपने पेरेंट्स से कहिए कि वो उसको परचेस कर लें, और अगर वो परचेस करने की सिचुएशन में नहीं है तो फिलहाल 7 डेज के लिए कहीं से भी अरेंज कर लें, जैसे किसी रिलेटिव का या किसी फ्रेंड का, इस तरह से कोई कोई भी, या किसी नेबर में आपका पड़ोसी अच्छा है, आपका उससे अच्छा व्यवहार है, बिहेवियर अच्छा है, तो अगर वो दे सकते हैं तो इस तरह का आपको एक डिवाइस अरेंज करके रखना है 7 डेज के लिए। 7 डेज के लिए क्या है, आपको 1 आवर के लिए चाहिए, जो एग्जाम आपका स्टार्ट होगा तो आपको उसी ड्यूरेशन के लिए केवल अच्छा गुड क्वालिटी का डिवाइस चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, आपकी जो नेटवर्क कनेक्टिविटी, ये भी गुड क्वालिटी की होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपका नेटवर्क उस समय काम नहीं करेगा तो आप अपने गूगल फॉर्म को ओपन ही नहीं कर पाएंगे, और अगर ओपन नहीं होता है तो आपका एग्जाम मिस हो जाएगा। तो इसीलिए आपको चाहिए कि 7 डेज के लिए आप अच्छी सी नेटवर्क कनेक्टिविटी का अरेंजमेंट करके रखें, ताकि जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिले तुरंत आपको उससे आप ओपन करके अटेम्प्ट कर सकें और उसे सॉल्व कर सकें। अब यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखने की है, यहाँ पे जो टाइम है, किसी स्टूडेंट्स ने फोन को ऑन कर लिया है, प्लीज पुट ऑफ योर माइक्रोफोन। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर जो टाइम दिया हुआ है 60 मिनट का, तो ये 60 मिनट का टाइम फिक्स टाइम है, मींस ये जो एग्जाम है टाइम बाउंड है, इसका एक भी मिनट आप एक्स्ट्रा नहीं ले सकते हैं। आपको अगर 10 बजे टाइम ओवर होने का टाइम दिया गया है, एग्जाम ओवर होने का टाइम अगर 10 बजे का दिया गया है, तो आपको ठीक 10 बजे अपने क्वेश्चन पेपर को सबमिट कर देना है। अगर आप सबमिट कैसे करेंगे, आप जो कुछ गूगल फॉर्म मिलेगा उसमें लगातार क्वेश्चंस दिए जाएंगे। सबसे पहले तो आपको आपका रिक्वायरमेंट फिल करना पड़ेगा, आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपका क्लास, आपका सेक्शन, इसे आप फिल करने के बाद आप सीधे क्वेश्चंस पे पहुंचेंगे। 30 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप लास्ट में देखेंगे कि आपको वहां सबसे लास्ट में
राइट कॉर्नर पर दिया होगा एक बटन जिसमें लिखा होगा सबमिट। तो आप जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका गूगल फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आप दोबारा से फिर उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सबमिट होने से पहले आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन का आंसर चेंज कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप फिर से रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन सबमिट होने के बाद आप उसे कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, और सबमिट जब आपका हो जाएगा तो आप अपना स्कोर भी तुरंत देख सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और उसमें कितने मार्क्स आपको मिले हैं। तो वहाँ पे एक और बटन होगा जिसमें आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको आपका मार्क्स पता चल जाएगा। लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि अगर आपने टाइम ओवर होने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक किया तो आपका क्वेश्चन पेपर सबमिट नहीं होगा, आपका क्वेश्चन पेपर आपके पास ही रह जाएगा और आप इस एग्जाम में अब्सेंट मान लिए जाएंगे। इसीलिए आप याद रखिएगा कि जो भी टाइम आपको दिया गया है, चाहे वो 9 से 10 एएम का हो, चाहे 10 एएम से 11 एएम का हो, आपको समय से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है, स्टार्टिंग भी समय से करनी है और उसका फिनिशिंग भी समय पर ही करना है। अगर 2 मिनट ज़्यादा हो गए, 1 मिनट भी ज़्यादा हो गया तो आपका क्वेश्चन पेपर फिर सबमिट नहीं होगा। तो सबमिट नहीं होने से आप एग्जाम में क्या है, अब्सेंट मान लिए जाएंगे। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि आपको समय से क्वेश्चन पेपर को सबमिट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमने आपको जो रिक्वायरमेंट बताए हैं वो ये होने चाहिए। इसके साथ साथ अब आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन पेपर सिलेबस आपको जो दिया है, मैं आपको एक बार डिस्कस कर देता हूँ कि यहाँ पे जो सिलेबस है वो इस तरह का होगा। ध्यान दीजिएगा, ये आपका सिलेबस है, जो न्यू सिलेबस है उसके हिसाब से मैं आपसे यहाँ पे अभी चर्चा करने वाला हूँ। अब कुछ विजिबल हुआ? अभी चलिए हम आपको पढ़ के बताते चलते हैं, जो भी है अगर नहीं दिखेगा तो हम आपसे पढ़ के बता रहे हैं तो आपको पता चलता जाएगा कि क्या करना है इसमें और क्या सिलेबस है, किस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, क्या क्या इस सिलेबस के अंदर होगा जो आपको वहाँ पे क्वेश्चन पेपर में मिलेगा और क्या नहीं होगा, उस विषय में हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको अपने आप ही पता चलता जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहला जो आपका दिया हुआ है चैप्टर नंबर 1, सिलेबस आपका जो है वो आपका ट्राइंगल चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दिए जाएंगे। तो चैप्टर 1 आपका रियल नंबर्स है, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से भी आपके क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में से भी क्वेश्चन आएंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस आपका चैप्टर नंबर 5 है, इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके बाद में आपका जो चैप्टर है वो है ट्राइंगल्स, तो ट्राइंगल से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये टोटल 6 चैप्टर्स हैं, इन 6 चैप्टर से आपको आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा। अब इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पेपर नहीं आएंगे आप देखिए यहाँ पे, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा है, ये आपका एग्जाम में नहीं आएगा, इसका डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको नहीं, ये आपके सिलेबस से बाहर है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हो सकते हैं, जैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके HCF फाइंड करना, तो HCF से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में हो सकते हैं। इसके बाद में आप देखिए जो चैप्टर नंबर 2 है, बाकी पूरा आएगा, बाकी जो भी है पूरा आएगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा केवल आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। इसके बाद में आप देखिए जो 2nd चैप्टर है पॉलिनोमियल्स,
पॉलिनोमियल्स में स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका डिवीजन है, मींस देयर आर सम क्वेश्चंस, डिवाइड ए पॉलिनोमियल पी एक्स बाय द सेकेंड पॉलिनोमियल ऑफ जी एक्स, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, और जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी आपके हटा दिए गए हैं। तो स्टेटमेंट्स मींस डेफिनेशंस टाइप में जो है ना, वो आपके सेकंड चैप्टर से हटा दिए गए हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो वो क्वेश्चन एग्जाम में भी आपके नहीं आएंगे। तो ये आपका जो सेकंड चैप्टर हुआ, तो आपका क्लियर हो गया होगा कि इसमें डिवीजन नहीं होंगे, डिवीजन से संबंधित जो क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जाएंगे, और इसके साथ साथ में डेफिनेशंस नहीं पूछी जाएंगी। अब चैप्टर नंबर थर्ड में चलते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में आपका पूरा चैप्टर है, केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपका हटा दिया गया है। आपके सिलेबस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं है, तो इसको आपको नहीं पढ़ना है। बाकी के जो दो मेथड्स हैं वो आपको पढ़ने हैं, एलिमिनेशन मेथड है और दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वो सभी आपके सिलेबस में हैं, और उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वेश्चंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ध्यान दीजिए, जो आपका लास्ट एक्सरसाइज इसमें था, जिसमें रिड्यूसेबल इक्वेशंस थे, वो आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, तो वो क्वेश्चंस आपके नहीं होंगे। जबकि जो डायरेक्ट क्वेश्चन थे, जिनको आप डायरेक्ट ही सॉल्व करके आंसर लिखते थे, वो सारे आपके एग्जामिनेशन में हैं, सिलेबस में है, और वो कोई भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे कि केवल आपका रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, वो केवल सिलेबस से हटा दिया गया है, बाकी पूरा है। इसके साथ साथ अब चलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में एप्लीकेशंस इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म्स। तो ये आपका जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, वो पूरा का पूरा आपके सिलेबस में है। केवल जो लास्ट में आपका जो लास्ट एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज में जो डेली लाइफ से रिलेटेड जो वहाँ पे प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है, बाकी का पूरा आपके सिलेबस में है। तो उसमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में अभी और बोर्ड में कभी भी पूछा जा सकता है। तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे, केवल आप जो डेली लाइफ से रिलेटेड वहाँ वर्ड प्रॉब्लम दिए हुए हैं और सम से रिलेटेड है, सम ऑफ एन टर्म, तो वो आपके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, बाकी सभी पूरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस आपके एग्जाम में आएगी। इसके साथ अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल्स पर। तो ट्रायंगल्स में आपके बहुत सारे टॉपिक हटाए गए हैं, उन टॉपिक्स को ध्यान देना है कि आपका जो फर्स्ट टॉपिक है, प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स आर डिलीटेड, केवल प्रूफ हटाए गए हैं, लेकिन उसके एप्लीकेशंस आपके एग्जाम में आएंगे। एप्लीकेशंस का मतलब जो प्रूफ थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो क्या क्या प्रूफ हटा दिया गया है? द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो यहाँ पे जो रेशियो वाला एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम वाला जो थ्योरम है, वो आपका थ्योरम सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, इसका प्रूफ डिलीट कर दिया गया है, लेकिन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट में आपसे कहा गया है, इन ए ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑन द अदर टू साइड, The angle opposite to the first side is right angle. तो ये converse of Pythagoras theorem का proof भी आपके syllabus से इस बार हटा दिया गया है। तो ये वाला भी आपका question, इससे related जो theorem है, converse
अब पाइथागोरस थ्योरम, ये भी आपके एग्जाम में ना तो बोर्ड में पूछी जाएगी और ना ही अभी आपकी पीरियोडिक टेस्ट में पूछी जाएगी। तो इन दोनों थ्योरम का सिर्फ प्रूफ हटाया गया है, लेकिन इसके एप्लीकेशंस और क्वेश्चंस अगर आपके सिलेबस में आपके बुक में दिए गए हैं तो वो कोई भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह का आपका ये सिलेबस है, 1 से लेकर 6 चैप्टर आपको अच्छे से रिवाइज करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका टाइम बॉन्ड है, और इसमें अगर आप एक भी मिनट ज़्यादा लेकर के उसे सबमिट करेंगे तो वो सबमिट नहीं होगा और आप उसे एग्जाम में अब्सेंट मान लिए जाएंगे। इसीलिए आपको चाहिए कि आप ये सभी 6 चैप्टर्स का अच्छे से रिवीजन करें, और अच्छे से रिवीजन करने के साथ साथ जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप किसी भी क्वेश्चंस का आंसर बिना टाइम लिए ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका हुआ जो पीरियोडिक टेस्ट 1 का सिलेबस था, उसके विषय में मैंने आपको अभी डिस्कस किया, और आगे डिस्कस करने की अभी जरूरत नहीं है क्योंकि बाकी तो आप चलिए थोड़ा डिस्कस कर ही लेते हैं। यहाँ पे जो और भी दिया है सिलेबस आपका PT1 का यहीं तक है, लेकिन आगे बोर्ड के लिए अगर ध्यान दें तो जो नेक्स्ट चैप्टर 10 है सर्कल, सर्कल्स में से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया, पूरा चैप्टर आपके सिलेबस में है। और कंस्ट्रक्शंस पे अगर हम लोग जाएं तो कंस्ट्रक्शंस में आपका ट्राइंगल सिमिलर टू गिवन ट्राइंगल, जो सिमिलरिटी वाले क्वेश्चंस थे जिसका कंस्ट्रक्शन आप 11.1 में करते हैं, वो आपके क्वेश्चंस सिलेबस से हटा दिए गए हैं, तो ये आपका कंस्ट्रक्शंस बोर्ड में नहीं आएगा और यहाँ पे आपका कोई भी पार्ट डिलीट नहीं किया गया है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद में आप चलिए आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ मोटिवेट द रेशियोज विच ईवर आर डिफाइंड एट 0 and 90 degree। तो यहाँ पे जो रेशियोज पूछे जाते हैं वो रेशियोज आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, ठीक है, तो उनको आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद में जो यहाँ पे नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो जो 90 minus theta से रिलेटेड वहाँ पे आइडेंटिटीज हैं और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, बोर्ड में नहीं पूछे जाएंगे, तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। ये आपके 2 पार्ट हटा दिए गए हैं, बाकी का पूरा सिलेबस आपके एग्जाम में है। इसके बाद में आप देखिएगा नेक्स्ट जो है चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस, ये पूरी तरह से आपके सिलेबस में है और इसके सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, आपको इसे अच्छे से पढ़ना है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर है, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। इसके साथ फिर आगे बढ़ते हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, तो यहाँ पे ये चैप्टर भी आपका पूरा ही है, लेकिन उसमें 1-2 क्वेश्चंस जो 90 डिग्री से अबव एंगल में दिए हुए हैं वो आपके सिलेबस से डिलीट कर दिए गए हैं। जो सेंट्रल एंगल दिया जाता है सेक्टर बनता है, और सेक्टर में जो सेंटर पर 90 डिग्री से ग्रेटर एंगल जो बनता है वो सिलेबस से हटा दिया गया है, तो यहाँ पे सेंट्रल एंगल से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन वहां पे दिया हुआ है, तो ये आपके सिलेबस से 120 डिग्री का हटा दिया गया है, ठीक है। इस तरह के प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। इसके बाद में आप चलिए चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें फ्रस्टम केवल हटाया गया, बाकी पूरा का पूरा सिलेबस आपके एग्जाम में है। फ्रस्टम मीन्स जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है वो आपकी नहीं आएगी, जो बोर्ड में पिछली बार अक्सर कर हमेशा आता था, फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम एंड फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम, तो ये सारा का सारा पार्ट हटा दिया गया, मींस लास्ट एक्सरसाइज पूरी तरह से सिलेबस से हटा दी गई है, तो इसे आपको नहीं पढ़ना है, बाकी सभी एक्सरसाइजेस आपको बढ़िया से ठीक ढंग से तैयार करनी है। इसके बाद लास्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पर, तो यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन, स्टेप डेविएशन मेथड जो होता है वो आपका केवल हटा दिया, जो लास्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड आपका है पूरा है। इसके बाद डेविएशन मेथड भी पूरा आपका सिलेबस में है,
ठीक है, जिसमें डी फाइंड किया जाता है, लेकिन स्टेप डेविएशन मेथड जिसमें यू यू का यूज करके आप वैल्यू फाइंड करते हैं, यू इक्वल टू होता है डी आई माइनस ए डिवाइड बाई एच, तो ये आपको नहीं सिलेबस में नहीं दिया गया, इसे हटा दिया गया है, तो इसे नहीं पढ़ना है। बाकी मीन मीडियन मोड आपका पूरी तरह से सिलेबस में है और उसे आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। इसके बाद में आप और आगे बढ़े तो यहाँ पे नेक्स्ट जो दिया है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ का मतलब है आपसे पूछा जाता है कि आप लेस देन ओजियो एंड मोर देन ओजियो, लेस देन ओजियो और मोर देन ओजियो जो ड्रॉ करने के लिए कहा जाता है वो आपके सिलेबस से पूरी तरह से हटा दिया गया। तो इस बार आपके एग्जाम में लेस देन और मोर देन ओजियो बिल्कुल भी नहीं पूछे जाएंगे और स्टेप डेविएशन नहीं जाएगा। तो ये दो टॉपिक आपके स्टैटिक्स से हटा दिए गए हैं, इन्हें आपको नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे जो लास्ट एक्सरसाइज है स्टैटिस्टिक्स में, उसमें आपके ओजीओ ड्रॉ करने के लिए कहा जाता है कन्वर्ट दिस डिस्ट्रीब्यूशन इनटू द लेस देन टाइप ओजीओ एंड ड्रॉ इट, एंड सिमिलरली कन्वर्ट दिस डिस्ट्रीब्यूशन इनटू द मोर देन टाइप ओजीओ एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ, ठीक है, एंड ड्रॉ इट्स ओजीओ। तो ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया, इसे नहीं पढ़ना है, लास्ट एक्सरसाइज नहीं पढ़नी है और स्टेप डेविएशन मेथड नहीं पढ़ना है, बाकी स्टैटिक्स में पूरा का पूरा पढ़ना है। लास्ट टॉपिक आपका बचता है ये है आपका प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी आपका पूरा का पूरा चैप्टर है, इसमें से कोई भी पार्ट डिलीट नहीं किया गया है। तो ये सिलेबस है जिसमें से आपको बोर्ड का एग्जाम देना है, और फिलहाल पीटी 1 जो आपको 1 से लेकर 6 चैप्टर्स तक में देना है, तो उनका आपको अच्छे से रिवीजन करना है। ये सेम सिचुएशन क्लास 9th के लिए होगी, इसी तरह इसका क्वेश्चन पेपर, इसी तरह के क्वेश्चन का टोटल मार्क्स, इसी तरह के क्वेश्चन के जितने नंबर्स हैं और जितना टाइम दिया हुआ है और जो रिक्वायरमेंट है, ये पूरा सिचुएशन क्लास 9 और अदर क्लास के लिए भी होगा। तो इस चीज़ को सभी स्टूडेंट्स नोट करें और अपने एग्जाम के अच्छे से प्रिपरेशन करें फॉर क्लास 9 के क्लास के विषय में भी मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा। तो आपको बताते चलें कि ये क्लास 9th का न्यू सिलेबस है और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम होने वाला है। तो आप देखें यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स, इस रियल नंबर्स में आपका जो टॉपिक डिलीट किया गया है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल ऑन द नंबर लाइन थ्रू सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, आपका जो क्वेश्चन सेकंड एक्सरसाइज में है 1.2 में मैग्निफिकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका एग्जाम में नहीं आएगा, वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो वो चाहे एनुअल एग्जाम हो चाहे पीरियोडिक टेस्ट हो, इस टाइप का क्वेश्चन आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो ये आपका सिलेबस में एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन जो विजुलाइजेशन वाला क्वेश्चन है नंबर लाइन पर, वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। इसके बाद फिर Explaining that every real number is represented by a unique point on the number line, and conversely wise every point on the number line represent a unique real number. तो जो real numbers है unique number line पर,
ये नंबर लाइन पे इसका रिप्रेजेंटेशन भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो रियल नंबर्स जो आपका है मींस रिप्रेजेंट अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट सेवन ऑन द नंबर लाइन, ये आपके सिलेबस में नहीं है, हटा दिया गया है। तो और नाइन पॉइंट रिप्रेजेंट 9.3 ऑन द नंबर लाइन, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, इसको आपको अभी फिलहाल नहीं पढ़ना है, ठीक है। एनुअल में भी नहीं आएगा और इसमें भी नहीं आएगा। इसके बाद डेफिनेशन ऑफ nth रूट ऑफ ए रियल नंबर, तो मैं आपको वही बता चुका हूँ, nth रूट का मतलब अंडर रूट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस से हटा दिए गए। रूट टू, रूट थ्री, रूट सेवन, इस टाइप के क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में नहीं आने हैं। तो ये तो चैप्टर नंबर वन हो गया। इसके बाद आपका जो चैप्टर नंबर सेकेंड है पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स में मोटिवेट एंड स्टेट द रिमाइंडर थ्योरम विथ एग्जाम्पल स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ फैक्टर थ्योरम। तो ये दोनों थ्योरम्स आपके हटा दिए गए हैं, लेकिन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम से अभी अभी भी सिलेबस से नहीं हटाए गए हैं। इनका क्या स्टेटमेंट आपका हटाया गया है, स्टेटमेंट आपका जो पूछ लिया जाता था और इसका जो प्रूफ पूछा जाता था वो अब आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इनके जो एप्लीकेशंस हैं वो आपके अभी भी सिलेबस में हैं और वो आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर नंबर टू के लिए ये नोट करें। इसके बाद जो आइडेंटिटी है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड, ये आइडेंटिटी भी आपके सिलेबस से हटा दी गई है और इसका जो एप्लीकेशन है वो भी आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। तो ये अभी भी एग्जाम में नहीं आएंगे और इसके साथ साथ एनुअल एग्जाम में भी नहीं पूछे जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं प्रॉब्लम्स ऑन रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन से रिलेटेड जो इसमें वर्ड प्रॉब्लम दिए हुए हैं वो आपके सिलेबस से डिलीट कर दिए गए हैं, वो आपके अब एग्जाम में इस फिलहाल अभी इस एग्जाम में नहीं आएंगे और आगे एनुअल एग्जाम में भी नहीं आएंगे। तो ये आपका न्यू इस चैप्टर की बात कर रहे थे। इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपका चैप्टर है इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, पूरा चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है और ये इसके कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर नंबर फाइव है यूक्लिड डिवीजन, सॉरी ये यूक्लिड ज्योमेट्री, ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। चैप्टर नंबर फाइव आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, तो ये अभी भी एग्जाम में नहीं आएगा और एनुअल एग्जाम या किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर है लाइन एंड एंगल्स, लाइन एंड एंगल्स चैप्टर है, इसमें भी आपका कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं किया गया है, पूरा सिलेबस आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको इस चैप्टर को भी पूरा अच्छे से प्रिपरेशन इसकी करनी है, ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। और आपका जो पीरियडिक टेस्ट वन का सिलेबस है वो यहीं तक है, मीन्स चैप्टर वन से लेकर चैप्टर लाइन एंड एंगल्स तक आपका पीरियोडिक टेस्ट वन का क्वेश्चन पेपर इसी सिलेबस से पूछा जाएगा और इसमें वही 30 क्वेश्चंस होंगे और सभी ऑल 30 क्वेश्चंस मल्टीपल च्वाइस होंगे। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, इन्हीं चीज़ों को आपको पढ़ना है, जो चीज़ मैंने बताई है उन चीज़ों को बिल्कुल नहीं पढ़ना है, वो आपके सिलेबस में अब नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर द फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट एग्जाम of this season. So once again thank you to all of you. तो मैं चाहूंगा कि आपका जो PT1 होने वाला है इसमें जो 30 questions पूछे जाएंगे ये 30 के 30 questions आपके अच्छे हो, सही हो, clear हो और आप समय से पहले उसे solve करने, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन ये शुभकामनाएं तभी काम आएंगी जब आप सभी चैप्टर्स का अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। सो डियर